सत श्री अकाल। चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लेनी है सुर्खियों के वल। मैक्सीको च ट्रेन ते बस विचाले भयानक टक्कर, 7 लोगों की दर्दनाक मौत, कई लोग हुए गंभीर जख्मी। हिंसा से सीएम खट्टर का वड्डा बयान, पुलिस हर किसी की सुरक्षा नहीं कर सकती। नूह की घटना नूं सीएम ने दसिया मतभागा। मौण मंडी इलाके च पंजाब पुलिस के तेज धार हथियारों नाल हमला, पुलिस मुलाजम का वड्डिया गया गुट। हुण खबरां विस्थार दे नाल। मैक्सीको के कवेरे टारो सूबे के एल मार्केस कस्बे विच एक ट्रेन के एक छोटी यात्री बस नाल टकरा जाण कारण 7 लोगों की मौत हो गई है ते 17 गंभीर रूप से जख्मी हुए ने। एल मार्केस टाउनशिप के सिविल डिफेंस चीफ अलेजेंड्रो वास्क्वेज मेलाडो ने कहा कि 17 जख्मियों चो कई की हालत गंभीर है। सूबे के गृह सकत्र ने दसिया कि हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। मौके की तस्वीरों में बस का मलबा पटड़ी के एक पासे पिया हुआ दिखाई दे रहा है। टक्कर कारण बस पटड़ी के करीब 50 गज तक घड़ेसती गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नूह हिंसा को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सारे की सुरक्षा पुलिस नहीं कर सकती, असी हर किसी की सुरक्षा नहीं कर सकते। अपनी गल को स्पष्ट करते उन्होंने कहा कि देश की आबादी 130 करोड़ है, जिस तों 2.7 करोड़ हरियाणा के, जदों कि पुलिस मुलाजम 60 लाख के करीब ने, तो अजे च हर किसी की सुरक्षा किवें होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूबे भड़की हिंसा च 2 होमगार्डा समेत 6 लोग मारे गए। इन्होंने मामलों च 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि नूह च हिंसा मगरों होर थावां ते हुई हिंसा दी घटनावां ते काबू पा लिया गया, स्थिति हुण आम है। मोहाली की NIA कोर्ट ने खालिस्तानी कुलविंदरजीत सिंह उर्फ खानपुरिया मैडिकल ग्राउंड से चलते जेल च सौण लई स्लीपिंग मैट्रस अते इंग्लिश टॉयलेट सीट इस्तेमाल करने का निर्देश दिता गया। फैसला मोहाली की NIA कोर्ट ने सुनाया। जानकारी मुताबिक खालिस्तानी कुलविंदरजीत सिंह उर्फ खानपुरिया इन्हीं दिन संगरूर की जिला जेल च बंद है। खालिस्तानी खानपुरिया ने अपने वकील के जरिए कुछ मैडिकल ग्राउंड्स कारण कोर्ट च अर्जी लाई थी कि वह जेल की बैरक च बिना गद्दे के नहीं सौं सकता, ना ही जेल की इंडियन टॉयलेट सीट का इस्तेमाल कर सकता है, जिस कारण उसने कोर्ट च सरकारी हस्पताल की रिपोर्ट भी लगाई थी। कोर्ट ने मैडिकल रिपोर्टों के आधार पर उसके सौण लई स्लीपिंग मैट्रस और इंग्लिश टॉयलेट सीट का इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। मार्केट कमेटी डेरा बाबा नानक दे चेयरमैन जगजीत सिंह कालो ने हलका डेरा बाबा नानक दे पिंड जीवन नंगल ते अली नंगल वासियां दीयां मुश्किलां सुनियां ते मौके ते संबंधित अधिकारियों नूं जल्द समस्यावां दा हल करन दे निर्देश दित्ते गए। इस मौके चेयरमैन कालो ने कहा कि 2022 दीयां चोणां वेले आम आदमी पार्टी पिंड पिंड होका देण वाले बूथ इंचार्ज करीब 1.5 साल तों खज्जल खुआर हो रहे ने। उन्होंने कहा कि हल्के दे किसी भी आप वलंटियर नूं खज्जल खुआर नहीं होना दिता जाएगा ते उन्हां दे पहल दे आधार ते काम करवाए जाणगे। देर रात मोगा लुधियाना मुख मार्ग से मेहणा नजदीक एक तेज रफ्तार वरना कार के ड्राइवर का संतुलन बिगड़न कारण कार पुल नाल जा टकराई। हादसा इन्ना भयानक सी कि गड्डी चालक ते नाल बैठा व्यक्ति बुरी तरह नाल गड्डी विच फस गए, जिन्हां नूं समाज सेवी सोसायटी मोगा के सेवादारां वड़ों बड़ी मुशक्कत दे नाल बाहर कढ़िया गया, जिस दरमियान गड्डी चालक की तां मौके ते ही मौत हो गई ते नाल बैठा व्यक्ति गंभीर जख्मी हो गया, जिसनों पुलिस की मदद नाल सिविल हस्पताल मोगा पहुंचाया गया, जिथे सिविल हस्पताल मोगा के डाक्टरों ने मुढ़ली सहायता देने तों बाद उसनों अगे रेफर कर दिया।
पंजाब पुलिस किसी ना किसी गल नूं लैके सुरखियां विच रहिंदी है। मामला बठिंडा दे पिंड दियौण दा है, जिथे देर रात कार ते जा रहे पुलिस मुलाजम वालों एक सड़क ते पैदल जा रहे बुजुर्ग नूं बुरी तरह दर्द दिता गया ते बुजुर्ग दी मौके ते ही मौत हो गई। पिंड वासियां दस्सिया कि पुलिस मुलाजम शराब दे नशे विच कार चला रहा सी, जिस ने दुध लैण जा रहे बुजुर्ग बूटा सिंह नूं टक्कर मारी, जिस कारण बुजुर्ग दी मौके ते ही मौत हो गई। इस तों बाद पिंड वासियां वालों श्री मुक्तसर साहिब बठिंडा हाईवे जाम कर दिता गया ते पुलिस कर्मचारी खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों वालों पिंड वासियों को भरोसा देने तो बाद एक बार यह धरना हटा दिया गया सी, पर सवेर होंदे ही कोई सुनवाई ना होंदी वेख के पिंड वासियों ने मुड़ तो बठिंडा श्री मुक्तसर साहब सड़क में जाम कर दिया। दोषी खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। दोषी पुलिस मुलाजम का नाम पिंड वासियों ने चरणजीत सिंह दसिया, जो कि किली निहाल सिंह संबंधित है। फिलहाल दोषी पुलिस मुलाजम खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सर बूटा सिंह नाम से जी, गरीब का परिवार का जी, वह दुध पाँ आता जी डेयरी तो, वह आपकी शेड सगा इन्हों के मुला जोड़ा गड्डी वाला से दारू पीती हुई थी सर, हजे भी सबूत पाया गड्डिया से बोतल पंगा गड्डी सर, वो मार के बंदे उतो भजन लगा बोतल दारू दिया बोतल पर हजे भी सबूत पाया गड्डी उवें पाया सर, मार के बंदा भजदा सी इतने आके उन्हें मुलाजम बंदे फोन किया गा रोक के वह रेडिएटर टुट गया ता करके बंद हो गई गड्डी इतने, उस तो बाद जो मुलाजम ने बैठा से उन्होंने फोन किया वो मुलाजम आप चढ़ा के लगा सर उन्होंने जिहड़ा हम गड्डी वाला लैके गया सर, इतने पुलिस मुलाजम आए थे उन्होंने आपकी कार्रवाई की है, पर सानू परचा नहीं दिखाया भी उसते की लिखा, सानू एक दो परचे से पता दिसना चाहिए भी की कुछ लिखा गा, बाकी इतने मुलाजम कहते जी पहला असं परचा पावे फिर चकांगे, पर सर साढ़े पहला पिंड च यह हो चुकया गा परचा बाद च पैंदा सर, पहला मुलाजम बंद चक के ले आते हैं, सानू उही इंसाफ चाहिए सर, सानू दोने बंदे हाजिर चाहिए जिहड़ा मार के गया वो ते जिहड़ा मुलाजम चक के लगा, सानू दोने हाजिर चाहिए सर। डीजीपी गौरव यादव के हुक्मां मुताबिक सूबे दियां जेलां नूं अपराध मुक्त बनाउण लई चलाए जा रहे ऑपरेशन सतर्क तहत फाजिलका पुलिस वालों सब जेल फाजिलका की विशेष चैकिंग की गई। इस चैकिंग अभियान की अगवाई एसएसपी फाजिलका मनजीत सिंह ढेसी ने की। चैकिंग अभियान बारी जानकारी देंदे हुए एसएसपी ने दस्सिया कि सब जेल की चैकिंग दौरान कोई भी इतराज़योग समगरी नहीं मिली। उन्होंने दस्सिया कि इस चैकिंग का मकसद यह है कि कोई भी अपराधी जेल च बैठ के बाहर किसी तरह के अपराध नूं अंजाम ना दे, इस दे नाल ही अपराधियों के मनां विच कानून का डर भी बनिया रहे। मानयोग डीजीपी साहब वालों जी है कि पूरे पंजाब दे विच जी है ये ऑपरेशन कराया गया, सतर्क नाम का यह ऑपरेशन हैगा जी, सारिया जेल सब जेल सेंट्रल जेल दे विच सारी जिन्हें जिते जिते है उन्होंने जेडे हैड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट है उन्होंने सारिया ने जरा उ जाके उ सर्च ऑपरेशन जोड़ा है किया गया है कॉर्डन एंड सर्च सर, और अपना कोई भी ऑब्जेक्शनेबल चीज़ कोई मोबाइल या कोई होर चीज़ा वो अंदर कोई मिलती हैं कोई ड्रग्स रिलेटिड हैगा तो उस संबंधी सारे पंजाब से है 12 to 3 जोड़ा हैगा इन करवाया गया। साढ़े इतने सब जेल पैंती है तो एक छोटी जेल होने कारण इतने कुछ घट गिनती दे विच जिहड़े हैगे इनमेट्स है तो उन्होंने सारिया की साढ़े एस पी डी साहब साड़ी फोर्स के नाल सारी जी है वह अज ऑपरेशन किया है पर अज का जो ऑपरेशन खास क्योंकि एक टाइम ऑल ओवर पंजाब सारिया जेलों के करवाया गया मानयोग डी जी पी साहब ने। ऑपरेशन सतर्क तहत पंजाब भर दियां जेलां च चैकिंग की जा रही है, जिस दे चलदियां गुरदासपुर केंद्रीय जेल में विशेष चैकिंग मुहिम चलाई गई, जिसकी प्रधानगी एसएसपी गुरदासपुर दयामा हरीश कुमार ते जेल सुपरडेंट नविंदर सिंह गुरदासपुर ने की। इस मौके ने दसिया कि इस चैकिंग मुहिम में 200 के करीब मुलाजम तैनात किए गए सन, जिन्होंने वख-वख टीमां बना के केंद्रीय जेल की हरेक बैरक की चैकिंग की। चैकिंग दौरान कोई भी इतराज़योग चीज बरामद नहीं हुई है। अज मानयोग डी जी सर के हिदायत अनुसार ऑपरेशन सतर्क चलाया जा रहा है गुरदासपुर सेंट्रल जेल के इतने एस पी जेल और ज़िले के जोड़े अफसर है मैं खुद भी इतने आके चैकिंग कर रहे हैं, असी
और इहदा मेन परपज यही है कि जिहड़े एंटी सोशल एलीमेंट्स हैगे जिहड़े क्रिमिनल है जिन्हां नूं असीं जेल दे विच छड़दे हां उत्थे जाके उन्हां दी गतिविधियां जिहड़ी है वह बंद होनी चाहिए। जेकर उत्थों भी वह कोई ना कोई गलत तरीके दे नाल अपने काम कर रहे हैं तो उन्हें रोकण दे लई असीं यह चैकिंग कर रहे हैं। यह सांझा ऑपरेशन है जो कि जेल डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से मिलकर कर रही है। दसूआ नेड़े नैशनल हाईवे ते ट्रैफिक नियमों की उलंघना करते हुए एक लड़की की वीडियो वायरल हो रही है जिस विच एक मुटियार थार गड्डी दे बोनट ते डांस करके रील बना रही है। इस मामले च कार्रवाई करते हुए दसूहा पुलिस ने इसका नंबर ट्रेस करके गड्डी नू कब्जे च लै लिया ते कार चालक औरत कार च सवार बाकी व्यक्तियों खिलाफ मोटर वहीकल एक्ट तहत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी देते हुए थाना इंचार्ज बलविंदर सिंह ने दसिया कि यह रील दसूहा नेड़े नैशनल हाईवे ते बनाई गई सी जो लगातार वायरल हो रही सी। जिवें ही इस वीडियो का पता लग्या तो इस नू गड्डी दे नंबर तो ट्रेस किया गया। लड़की दसूहा दे कस्बा घोगरा की रहने वाली है। कार्रवाई तो बाद पुलिस ने लड़की की वीडियो डिलीट करवा दी। दसूहा पुलिस ने कुछ दिनों तो सोशल मीडिया उपर गौरी गड्डी नाम की लड़की की आईडी जो इंस्टाग्राम के उपर बनी हुई है जो थार गड्डी के उपर बैठी है तो थार गड्डी चल रही है। दसूहा पुलिस वालों इस गड्डी का नंबर ट्रेस करके मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इस गड्डी कब्जे में लै लिया गया है। कानूनी कार्रवाई अमल में लिया गई है। जेकर फिर भी कोई होर समाज के अजिहा व्यक्ति इन्हां नियमां की उलंघना करता है उसके खिलाफ भी सख्त तो सख्त एक्शन लिया जाएगा ते अगली कार्रवाई जारी रहेगी। फाजिलका की राधा स्वामी कलोनी की गली नंबर 9 च घर के अंदर सुते पे परिवार के 3 मैंबर छत डिगन कारण जख्मी हो गए जिन्होंने इलाज लिए सिविल हस्पताल फाजिलका विखे दाखिल करवाया गया। जख्मियों एक लड़की की गंभीर हालत में देखते हुए उसे श्री गंगानगर रैफर कर दिया गया। दसिया जा रहा है कि हादसा सवेरे करीब 6:30 बजे वापरे जो अचानक जोरदार आवाज सुनाई दी तो गली वासी सागर कुमार के घर की छत डिग पई सी जिस उसके समेत उसकी पत्नी से छोटी बच्ची मालवी हेठा दबे हुए सन जिन्होंने बाहर कढ़ के सिविल हस्पताल विखे इलाज लिया गया जिथे उन्हों का इलाज चल रहा है। दूजे पासे वार्ड के MC ने मौके पर पहुंच के प्रशासन से सरकार तो मांग की कि पीड़ित परिवार को बनता मुआवजा दिता जाए। जलंधर के थाना नंबर 7 अधीन पेंदे पिंड मिठापुर विखे देर रात खाना खा के वापस आ रहे एक्टिवा सवार गीता मंदिर के पुजारी सोमनाथ नाल लुट की घटना वापरी है जिथे चीमा चौंक तो पीछा करती एक चिट्टे रंग की गड्डी ने लोकेशन पुछण के बहाने स्कूटी सवार नूं रुकवाया ते जो तेजधार हथियार दिखा के राहगीर कोलों अंगूठियां ते 15,000 रुपए की नकदी लुट के फरार हो गए। मिठापुर स्कूल के नेड़े यह लुट की घटना वापरी। सहारनपुर की मजीद कलोनी विखे निर्माण अधीन मकान अंदर भेदभरे हालातों च एक लाश मिलने नाल इलाके च सनसनी फैल गई है। पहली नजरे मामला कतल का जाप रहा सी क्योंकि मृतक के शरीर से किसी भारी चीज नाल वार किए गए सन। मृतक की उम्र करीब 25 साल दसी जा रही है। लाश की अजे तक शनाख्त नहीं हो सकी है जिसनों मौके पर पहुंची पुलिस ने कब्जे च लैके पोस्टमार्टम लिए भेज दिता। अजनाला दे पिंड गोरे नंगल अंदर जमीनी विवाद नूं लैके एक जवाई अपने सहुरे नूं धक्के नाल अगवा करके गड्डी च बिठा के लै गया जिस नूं लैके सस मनजीत कौर ने अपने जवाई ते वड्डे सवाल खड़े किए ने जिस ने दस्सिया कि उसके पति का नाम शर्मा सिंह है। उसका जवाई धक्के नाल हथों पाई करके उसनूं नाल लै गया जो उन्हां कोलों जमीन की मांग कर रहे हैं। उन्होंने मांग की कि उन्होंने इंसाफ दवाया जाए। इस संबंधी जवाई महावीर सिंह का कहना है कि उसका सहुरा बीमार रहिंदा है उसका इलाज नहीं करवा रहे सी जिसलिए अपने सहुरे नूं अपने नाल लै गए। उसने दसिया कि मेरे सहुरे घर रहिंदे उसके साली ते साडू उन्हां दी जमीन हड़पना चाहते। फिल्म गदर 2 की प्रमोशन नूं लैके सनी देओल BSF क्वार्टर पहुंचे। सुतंत्रता दिवस के मौके पर करवाए गए समागम दौरान सनी देओल ने BSF के जवानों नाल मिलके भंगड़ा पाया। इस दौरान सनी देओल ने देशभक्ति के गाणियां ते देश के जवानों नाल नचदे गाउंदे जवानों की हौसला अफजाई की।
हुण नजर मारदे हां अज दे मौसम दे हाल दे वल। इस दे नाल ही खबरां दा सिलसिला इत्थे समाप्त हुंदा है। नवीआं ते ताज़ा खबरां दे नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई दिओ इजाज़त। धन्नवाद।